सबसे बड़ी बात कि बिजली का पोल और बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो भी इस पानी की चपेट में आ, हाँ जी, और उसके बाद जब वो लाइट खराब हो जाती है और जो सफाई कर्मचारी बेचारे आते हैं, मैं तो उनको सल्यूट करना चाहूँगा, वो अपनी जान हथेली में लेकर, वो भाई हमारा उस दिन सफाई करने आया, उसको यहाँ पे करंट लगी, भगवान ने उसको बचाया, ये तो उनकी हिम्मत है। बट अफसोस ये है कि अभी तक इनकी जो आंखें हैं नहीं खुली हैं। अब ये क्या, साथ में एक गली है जो हमारी, उसमें टाइलिंग का काम है, दो हमारे ये मसले हैं, लेकिन उनके कानून तक कोई जून तक नहीं रहेंगी। बड़े अफसोस का कम है, पता नहीं हमने शायद उनको वोट नहीं दिए, इसी की वजह से वो शायद ये महसूस करते हैं कि ये पता नहीं कल भी ये हमें वोट देंगे नहीं देंगे। हम बेसिकली यहाँ के रहने वाले हैं और अच्छी तरीके से जो है कॉरपोरेटर की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी इससे गुजारिश को जो है वो उसको वेटेज नहीं दिया, बल्कि नज़रअंदाज किया। बरसात के ये समझ लो सुनामी आ जाती है यहाँ पर, अगर यहाँ पे आप, हम कहेंगे ना हम स्विमिंग भी करें तो कोई डूबेगा नहीं, वो स्विम करेगा यहाँ। आर्टिफिशियल लेक मिल गया, आर्टिफिशियल लेक, हाँ हाँ, ये J&K को आर्टिफिशियल लेक मिल गया, जो ये दावे थे इनके, जो अब शायद मेरे को लगता है अब तो ये बर्फ़ भी पड़ेगी, स्विट्ज़रलैंड भी बन रहा है, जम्मू कश्मीर स्विट्ज़रलैंड भी बन जाएगा, तो ये इशू काफ़ी देर से मैं अरेज कर। वीर जी तो करंट लगी है, कितों करंट लगी तो इन्ना तारा इंच करंट है? हाँ जी, हाँ जी। पूरे मसले को लेकर क्या कोई यहाँ पर आया है मौके पर? यहाँ हम वार्ड नंबर 52 के रहने वाले हैं प्रीत नगर में, और ये एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर में पड़ता है मोहल्ला। तो जहाँ तक यहाँ इस नाले का सवाल है, तो इस नाले में जब कभी भी थोड़ी भी बारिश हो या बारिश ना भी हो, तो नाले का जो भी पानी अगर इसमें जो बहता है, तो उसमें यहाँ ये जो आप पुली देख रहे हैं, ये कलवट जो है ये इतनी बैठ गई है कि इसमें से ब्लॉकेज हो जाती है। नतीजे के तौर पर यहाँ तो एक तो गंदगी डंप हो जाती है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो गंदगी को निकाल नहीं सकते। दूसरा इसमें यह है कि मच्छर और बदबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से ये रास्ता जो है ये सीधा घरों को जाता है, यहाँ इतनी कीचड़ हो जाता है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो नतीजे के तौर पर यहाँ हमें बहुत परेशानी का आलम है, और हमने एक बार नहीं 20 बार पर्सनली जाकर एप्लीकेशन भी दिए हमने यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं श्री अजय गुप्ता जी, लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है, हर बार वो यही कहते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे और आपका काम प्रायोरिटी पर करेंगे। एक साल हो चुका है, पिछली फरवरी में उनके पास हमने एप्लीकेशन दी थी, आज 1 फरवरी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है, और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होने वाला है। मैंने पर्सन जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि हम मोहल्ले वाले, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मोहल्ले के, वो भी हमारे साथ गए, पूरा मोहल्ला हम उनके पास गए और उनको एप्लीकेशन भी दी कि इस कलवर्ट को कम से कम आप इसको ज़रा रेज़ कीजिए। तो इसमें और साथ में एक गली है जो हमारी, उसमें टाइलिंग का काम है, दो हमारे ये मसले हैं, लेकिन उनके कानून तक कोई जून तक नहीं रहेंगी। बड़े अफसोस का कम है, पता नहीं हमने शायद उनको वोट नहीं दिए, इसी की वजह से वो शायद ये महसूस करते हैं कि ये पता नहीं कल भी ये हमें वोट देंगे नहीं देंगे। हम बेसिकली यहाँ के रहने वाले हैं, और अच्छी तरीके से जो है कॉरपोरेटर की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी इससे गुजारिश को जो है वो उसको वेटेज नहीं दिया, बल्कि नज़रअंदाज किया है। कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिए हैं शायद इसलिए, लेकिन ये आपका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हैं। चुनावों के समय में क्या कहा था मैम? सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वोट देने की बात नहीं है, अब इसका मतलब यही है कि अगर जो कोई इनको वोट नहीं देगा, ये हमारा जो है ये पर्सनल ओपिनियन है, हमने किसे वोट देनी है किसे नहीं देनी। अगर हमें यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए रहते, और शुरू से लेके अभी तक हमने यही जो चीज़ है हमने नोटिस किया, और कई बार एक मरतबा नहीं, हम कई बार उनके पास गए, अभी मेरे पिछले दिनों उनसे बात भी हुई थी, मैंने उनको स्पेशली फ़ोन करके कहा था, मैं अजय साहब हमारे में यहाँ ये मसला है, कोई बात नहीं, नाला गैंग आएगी, नाला, उनका एक ही डायलॉग होता है
नाला गैंग भेज देंगे, नाली साफ हो जाएगी। वो तो खुद भी प्रदर्शन कर रहे हैं जीएमसी में। वो फिर वो अब मैंने जीएमसी के कल भी रिपोर्ट्स देखी, वहाँ के कर्मचारी हैं वो 300-300 रुपये पे, वो इशू भी कल रेज हुआ था, मैं कल देख रहा था न्यूज़ में, मतलब इतनी बुरी हालत है। और सबसे मैम आप यहाँ पे सर कैमरा यहाँ पे कीजिए, ये देखिए बिजली की तारें यहाँ पे गिरी हुई हैं। और म्यूनसिपैलिटी का एक वर्कर आया था, उसे यहाँ पे करंट भी लगा है, उसे ये करंट भी लगा है, मैं आपको वो वीडियो भी दे दूँगा। और ये लाइनमैन बुला के मैंने ये तार कटवाई है, और ये देखिए अभी भी ये तार, इस तार में करंट है, ये जो ये तार है इस तार में अभी भी करंट है, ये तार उसने काटी थी, ये उसका रेस्ट पीस ये है, और बाकी उसमें अभी भी करंट है। बरसात के मौसम में क्या हाल होता है? बरसात के ये समझ लो सुनामी आ जाती है यहाँ पर। अगर यहाँ पे आप, हम कहेंगे ना हम स्विमिंग भी करें तो कोई डूबेगा नहीं, वो स्विम करेगा यहाँ। आर्टिफिशियल लेक मिल गया, आर्टिफिशियल लेक, हाँ हाँ, ये जेएंडके को आर्टिफिशियल लेक मिल गया, जो ये दावे थे इनके, जो अब शायद मेरे को लगता है अब तो ये बर्फ़ भी पड़ेगी, स्विट्ज़रलैंड भी बन रहा है, जम्मू कश्मीर स्विट्ज़रलैंड भी बन जाएगा। तो ये इशू काफ़ी देर से मैं अरेज करने की कोशिश कर रहा था, मोहल्ले वाले सब हमारे मतलब कि शाना बिछाना हमारे पास साथ खड़े होके उन्होंने कहा कि हम साथ इकट्ठे चलेंगे। हम कई बार गए भी, जैसे कि मेरे फादर साहब ने कहा एक साल पहले हमने एप्लीकेशन दी थी उनको, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इस पुली का हाल देख लो, ये यहाँ पे आगे कितने घर हैं, ये सभी को घरों को रास्ता जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे आगे कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है और ये नज़रअंदाज हो जाए, ये मेन गली है, ये कनेक्ट करता है, कितने घरों को कनेक्ट करता है। और जिस दिन यहाँ पे बारिश होती है, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, 8 तारीख को मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था एक, और आज 19 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने पर और मैं स्पेशल थैंक्स आपको कहूँगा कि आपने हमारी बात ये सुनी और आप स्पेशली हमारे पास आए। अदरवाइज़ इससे पहले मैंने एक दो मीडियाज़ को अप्रोच की, बट वो यही थे आपका कॉरपोरेटर का नाम बताओ, फिर उनसे पता नहीं क्या बातचीत हुई, उसके बाद वो उन्होंने हमें ना रिप्लाई किया, तो ना हमारी बात उसके बाद कोई आगे बढ़ी। यहाँ पे मीडिया भी, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो कि पत्नी वो देख के डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, या कहाँ से व्यूज़ मिलेंगे, या कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट है नहीं है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ इशू रेज ना हो जाए, ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जी, विकास की बात हो रही है, आर्टिफिशियल लेक मिल गई, मुबारक हो आप। नहीं, मुबारक तो मैं पब्लिक को देना चाहूँगा और आम जनता को देना चाहूँगा और अंधभक्तों को देना चाहूँगा कि जिनके लिए इतना डेवलपमेंट का काम जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। मुझे लगता है उनके जो दावे जो सिर्फ वो पार्लियामेंट तक ही हैं, वो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, ये है स्मार्ट सिटी, ये आप अपने विजुअल्स में दिखा भी रहे हो, मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये है आज की स्मार्ट सिटी। ये आप किसी गाँव में नहीं हो, ये आप जम्मू के एक हार्ट के अंदर हो, जो एक मेन सिटी है, अब वहाँ पे रह रही है। अब मुझे ये बताइए, बारिश, आपने बारिश के लिए पूछा, मैं नहीं मानता कि बारिश, मैं बिना बारिश के भी, आप ये हालात जो देख रहे हो ये बिना बारिश के भी एक ऐसा माहौल है ये जो आपको देखने को नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें, अगर जैसे अंकल ने बोला, मेरे भाई साहब ने बोला कि कॉरपोरेटर से बात की है, उनकी अगर आप बातें सुने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कहीं भी उनसे बात कर लो, उनके पास एक ही चीज़ है कि हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अरे भाई कहाँ करवा रहे हो, अपने घर की डेवलपमेंट करवा रहे हो या पब्लिक के लिए करवा रहे हो? मुझे तो लग रहा है वो अपने घरों को अच्छी तरह डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के, जो खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिन्होंने बड़े बड़े दावे करके अभी तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उनकी यही राजनीति है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मजहबी लड़ाई लड़नी, और जब वोट मांगने आने तो काम, और दिखाना स्मार्ट सिटी के सपने और मेट्रो रेल के सपने। अरे भाई रहने दो, नहीं चाहिए मेट्रो रेल, नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, नालियाँ हमारी ठीक करवा दो, सड़कें ठीक करवा दो, बिजली अच्छी तरह भिजवा दो, हमारे लिए वही स्मार्ट सिटी है, हमें उसी में जीने दो, उससे ज़्यादा हमें मत दिखाओ, क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। अभी तो ये, चलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, आगे विधानसभा के भी चुनाव हैं, और कहते हैं कि जब आपकी नींव मजबूत हो तो आगे जाकर आपकी इमारत बहुत अच्छी बनती है, तो लग रहा है कि भाजपा की नींव इस समय मजबूत है? ये तो साफ दिख रहा है ना, ये साफ दिख रहा है कि नींव कितनी मजबूत वो कर रहे हैं और कितनी आगे होगी। खैर अब तो पता चल ही जाएगा आने वाले चुनावों में, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के हों या विधानसभा के हों, कोई से भी होंगे, वो आपको अच्छी तरह रिजल्ट पता चलेगा आने वाले दिनों में। अभी और भी कई स्टेटों के इलेक्शन जो हों उसमें भी आपको इनका रिजल्ट सामने नज़र आ जाएगा। पर अफसोस ये है कि एक सिटी के अंदर जहाँ इतनी परेशानियाँ हैं,
और आगे आने वाले दिनों में गर्मी है, और इसमें से एक तरफ हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, अब दूसरी तरफ हमें इस इन्फेक्शन से भी जूझना पड़ेगा। हाँ, और उसको भी नाम मेरे ख्याल से कोरोना का ही दिया जाएगा, क्योंकि जो बीमार होगा आज की डेट में, कोई भी बीमार होगा उसको कोरोना के साथ ही जोड़ा जाता है, और ये तो ऑटोमेटिकली इसके साथ कितने घर जुड़े हुए हैं। और इनकी ये परेशानी खाली ये नहीं है, ये आप गलियों की भी मेरे भाइयों ने बताई है, बट ये जो मेन है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि बिजली का पोल और बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो भी इस पानी की चपेट में है। हाँ जी, और उसके बाद जब वो लाइट खराब हो जाती है, और जो सफाई कर्मचारी बेचारे आते हैं, मैं तो उनको सल्यूट करना चाहूँगा, वो अपनी जान हथेली में लेकर, वो भाई हमारा उस दिन सफाई करने आया, उसको यहाँ पे करंट लगी, भगवान ने उसको बचाया, ये तो उनकी हिम्मत है। बट अफसोस ये है कि अभी तक इनकी जो आंखें हैं नहीं खुली हैं। अब ये क्या चाहते हैं, कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कैसे इसको अव्वल दर्जे का सिटी बनाएंगे, ये तो आप वही बताएं, तो या फिर आप ही हमें उनसे कुछ पूछ के बताइए कि भाई कैसे, कब स्मार्ट सिटी होगी, और जो बात डेवलपमेंट की करते हैं वो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, अपने या तो अपने घर में बता दें, या फिर हमें कहीं किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में बता दें कि भाई हाँ हमने डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई है। देखिए साफ तौर पर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों ने कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई ही छेड़ दी थी तमाम नेताओं की, और पार्टी लाइन से हटते हुए भी बहुत से नेता इंडिपेंडेंट के तौर पर भी जीते थे, लेकिन इस समय बुनियादी सुविधाएं, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये प्रदान करने की जिम्मेदारी हर एक नेता की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप वोट मांगने जाते हैं तब भी आप सबके दरवाजे पर ही जाते हैं। जम्मू को स्मार्टनेस की सौगात कागजों में दी जा रही है, लेकिन धरातल पर आर्टिफिशियल लेक बनना शुरू हो चुकी है नानक नगर में। आप ये हमारे बने, देखते रहिए न्यूज़ 12 जम्मू सुहान की रिपोर्ट।